लाइन के अंदर ही गाड़ी रहेगी, स्टीयरिंग अपने आप मूव करेगा। देखिए मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, ये स्टीयरिंग अपने आप टर्न कर रहा है। ये ऐसा भी नहीं हो ना कि आदमी चला रहा है वो टॉर्चर करना शुरू कर दे अलार्म दे दे करके, ऐसा गाड़ी चला करके क्या फायदा है ड्राइव करके। अच्छा अच्छा चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उन्हें सुधर रिव्यूज़ की नई वीडियो में। भाई मैं हूँ गौरव। तो आज हम खड़े हैं महिंद्रा XUV 700 के सामने, और महिंद्रा XUV 500 को महिंद्रा ने 2011 में लॉन्च किया था। ये आप 2021 का सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट देख रहे हैं, जो कि महिंद्रा ने 700 के नाम से लॉन्च किया है। काफ़ी एडवांस और स्मार्ट कार है, और महिंद्रा ने जब 500 को भी लॉन्च किया था वो भी काफ़ी स्मार्ट और एडवांस कार बनाई थी। तो इसमें भी आपको कुछ एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं कराती है। और इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो बेस वेरिएंट की कीमत स्टार्ट होती है 12.5 लाख से, और टॉप वेरिएंट 24 लाख तक इसमें अब जाता है। और इस प्राइस रेंज में महिंद्रा ने जो इसके प्राइस लॉन्च किए हैं, इसमें क्रेटा, सेल्टॉस, टाटा हैरियर, टाटा सफारी, ये सब कारें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये चारों ही कारों को आराम से टक्कर देने वाली है। तो इसके एक्सटीरियर से शुरू कर लेते हैं। फ्रंट में आपको महिंद्रा का नया वाला लोगो देखने को मिल जाएगा, ये महिंद्रा की ग्रिल्स। और फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे विद सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, LED DRLs इसमें देखने को मिल जाएंगे। और फॉग लैंप्स का ऑप्शन है। ये आप AX7 टॉप मॉडल देख रहे हैं, इसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं इसमें। और अगर मैं बात करूँ इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड में आपको ORVM विद टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल है ना। ये देखो अच्छा है ना। हाँ, काफ़ी यूनिक है, मतलब नॉर्मल कार्स में रहता नहीं है। और अगर आप कीलेस एंट्री लेके जाएंगे इसमें, आप की अगर आपके पास है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और आप अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक है, समथिंग यूनिक, यू नो, हर कार में नहीं होता। हाँ, और साइड से बात करूँ तो आपको जो ये वाला पोर्शन है वो XUV 500 की याद दिलाएगा। इस साइड में आपको डीजल टैंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके रियर प्रोफाइल से, तो रियर में आपको एरो वाले टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए काफ़ी मतलब अच्छे से लगते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देते हैं ये। और रियर में भी आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा, रियर वाइपर है, रियर डिफॉगर, ये हाई स्टॉप टेल लैंप्स, और आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। XUV 700 की बैजिंग है यहाँ पे, AX7 मॉडल जो कि टॉप मॉडल है। AX7 मॉडल में अगर आप लग्जरी पैक लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को इसमें मिल जाएंगे। और ये कार की साइड प्रोफाइल है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन प्रोफाइल की, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 2000cc और 2200cc। 2000cc में आपको ओनली पेट्रोल, ऑटोमेटिक और मैनुअल देखने को मिलेगा। उसमें आपको 197 bhp की पावर और 380 nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ 2200cc के वेरिएंट की, तो 2200cc में डीजल में ऑटोमेटिक और मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिलता है, और पेट्रोल ऑप्शन देखने को मिलता है। तो डीजल में आपको ऑटोमेटिक में 450 nm का टॉर्क और 185 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ डीजल में 2200cc मैनुअल में, तो उसमें आपको 420 nm का टॉर्क और 185 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी। अभी हम 2200cc में डीजल में ऑटोमेटिक वेरिएंट यहाँ पे देख रहे हैं, और जो अभी हम टेस्ट ड्राइव लेंगे वो हम 2200cc के डीजल इंजन में मैनुअल का रिव्यू लेंगे। कार के इंटीरियर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ड्राइवर साइड में 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ये मेमोरी मतलब 3 बंदे इसमें अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये उसको सेव कर लेती है ऑटोमेटिकली। आप जब आएंगे तो आपके हिसाब से ये सीट एडजस्ट हो जाती है। और इसमें आपको सिल्वर फिनिश के साथ ये आपका डोर ओपनिंग का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके ड्राइवर साइड कंसोल की, तो ये स्मार्ट कार आती है ADAS सिस्टम के साथ, जो कि है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। इसमें आपको काफ़ी स्मार्ट फंक्शन जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रडार कैमरा के साथ, स्मार्ट पायलट असिस्टेंट, और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम, और हाई बीम असिस्टेंट का इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाकी के इंटीरियर और इसके एडवांस फीचर्स को हम आगे टेस्ट ड्राइव के टाइम पे समझेंगे। तो आपको कैसी लगी ये कार फिर? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, रेस्ट परफॉर्मेंस से ही पता चल पाएगा। तो अभी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं इसकी। आज हम आए हैं कुमार ऑटो व्हील्स महिंद्रा रुद्रपुर उत्तराखंड शोरूम में। हमारे साथ हैं मलकीत सिंह जी, जो हमें इसके एडवांस फीचर्स के बारे में बताएंगे। इसकी टेस्ट ड्राइव कुछ ले लेते हैं। ये हम AX7 वेरिएंट चला रहे हैं पेट्रोल का, और 2000cc का इसमें इंजन है, और ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। यहाँ पे इसमें आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा, ऑटो होल्ड का ऑप्शन है इसमें, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों साइड ड्राइवर और पैसेंजर साइड आपको क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑटो हीट और ऑटो कूल दोनों ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें 360 कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 11 घंटे की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ये सेव करके रखता है अपने पास। तो इसमें एक अच्छी चीज़ है, आपको अलग से डैश कैम नहीं लगाना पड़ेगा। तो भाई इसमें ना आपको ड्राइविंग के लिए 4 मोड देखने को मिल जाते हैं, जिप, जैप, जूम और कस्टम। जिप नॉर्मली इसका सिटी मोड है, जैप मोड थोड़ा पावरफुल मोड है, जूम में आपको एक्स्ट्रा पावर में देखने को मिल जाएगी, और जो इसका कस्टम मोड है वो ड्राइवर की असिस्ट के लिए बनाया गया है। तो सर इसका जो कस्टम मोड है वो क्या है? कस्टम मोड इसमें ऐसे है, कस्टम मोड एक मैं अपने हिसाब से को एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को जो स्टीयरिंग पावर कैसी चाहिए, स्टीयरिंग हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए,
उस हिसाब से कस्टम मूड आ जाएगा। कस्टम मूड को हम यहाँ से एक्टिवेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी आ जाएंगी। जैसे जिप में हमको एक नॉर्मल एवरेज मिल रही थी, कम जो पिकअप था वो थोड़ा सा डाउन होता है, जैप आ जाएगा, जिस तरह उसको मैं ऐड करना चाहूंगा वो ऐड हो जाएगा। उसी के साथ अप्लाई करेंगे तो वो कस्टम मूड, एक मेरा बनाया हुआ मूड आ जाएगा जो ड्राइविंग बिहेवियर के हमारे हिसाब से बना हो, तो इसमें ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। हाँ, वो सेव हो जाएगा, अप्लाई करते ही सेव हो जाएगा वो, और मैं जब भी कस्टम पे करूंगा वो वाला मूड एक्टिवेट होगा जो मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, उसी के साथ इसमें लाइन कीप असिस्ट आता है तो वो एक्टिवेट है इसमें, तो मैं आपको लाइन कीप असिस्ट में एक बार दिखा देता हूँ कि, और वार्निंग आती है, जैसे सामने अभी हमारी गाड़ी आएगी तो ये वार्निंग आ रही है, देखिए इसमें जैसे हमारे सामने बस है, अगर उसके नियर बाई जाते हैं तो यहाँ वार्निंग आ जाएगी, देखिए इसमें वार्निंग आएगी, पर स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है क्योंकि ये मैनुअल गाड़ी है, तो इसमें इमरजेंसी ब्रेक, ऑटोमेटिक जो इमरजेंसी ब्रेक है वो इसमें नहीं आती है, वो ओनली 480 में आती है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, और उसमें ही इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लगती है। जैसे हमारी गाड़ी इसके नियर बाई जाएगी, मैंने कुछ नहीं करा, ब्रेक अपने आप लगेगी, सडन ब्रेक। उस ब्रेक की जो स्पीड होती है वो, अगर हमारी गाड़ी सपोज 100 पर चल रही है तो 50 की स्पीड माइनस हो जाएगी, ओनली 450 की स्पीड माइनस होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 पर चल रहे हैं, 100 की स्पीड अचानक माइनस हो गई तो हमारे पीछे आने वाली गाड़ी ही हमें ठोक देगी। हाँ। इसलिए वो हमारी सेफ्टी के लिए 50 की स्पीड माइनस होगी, और 50 के बाद वाली स्पीड हमें ही कंट्रोल करनी है। अगर हमारी गाड़ी 50 में चल रही है तो वो जीरो आ जाएगी। जैसे इसमें लाइन की असिस्ट रहता है तो मैं इस समय स्टीयरिंग अगर मैं छोड़ दूंगा इसका तो लाइन के अंदर रहेगी, बस गाड़ी को लाइनें दिखनी चाहिए। जैसे अभी इसमें लाइन है तो इस लाइन के अंदर ही गाड़ी रहेगी, स्टीयरिंग अपने आप मूव करेगा। देखिए मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, स्टीयरिंग अपने आप टर्न कर रहा है, ये तो बहुत एडवांस फीचर है। सामने अगर इस कंडीशन में गाड़ी आती है तो ये इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लेगी। देखो ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया है, स्टीयरिंग छोड़ा हुआ है भाई ने, और ये एडास के फंक्शन है जो महिंद्रा ने अपनी गाड़ी में दिए हैं, और ये अभी तक पूरी तरह सेफ और सक्सेस है। अच्छा, तो इसने ब्रेक लिया, सामने बाइक आ गई थी तो अपने आप ब्रेक ले ली थी। अच्छा, अभी जैसे स्टीयरिंग छोड़ा हुआ है और हम एक लाइन में चल रहे हैं, लाइन से बाहर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसका, मैं इसको हल्का सा टर्न करके लाइन से बाहर भेजता हूँ, ये अपने आप अंदर आ जाएगी, ये आ गई। तो ये तो बहुत, मतलब इस प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस प्राइस रेंज में कोई भी गाड़ी ऐसे फीचर्स एडवांस वाले नहीं दे रही है। महिंद्रा ही है जिसने XUV 500 से स्टार्ट किया था एडवांस करना, और XUV 700 ने अपने अपनी जो लेगेसी है वो मेंटेन करी है। गाड़ी के जो भी पेपर रहेंगे हम गाड़ी में ही सेव कर सकते हैं, मैं ऐप मिलेगी इसकी, एट्रोनिक्स एक ऐप है जो हमारे फोन में डाउनलोड होगी, उस ऐप के अंदर मैंने अगर गाड़ी के जो पेपर है, इंश्योरेंस, RC, अपना DL, मैं सेव उस ID उसमें करूंगा ऐप में, और मुझे यहाँ पे शो होगा। सपोज गाड़ी में मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, फोन बंद है, यहाँ कोई और गाड़ी लेके गए हैं, तो हम यहाँ से हमारी गाड़ी के जो भी पेपर है वो हम कहीं भी अगर कोई भी मांगता है तो उनको हम यहाँ से दिखा सकते हैं, हमें फोटोकॉपी या ओरिजिनल रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अलेक्सा इसमें इनबिल्ड है, eSIM आती है, 3 साल का सब्सक्राइब मिलता है हंगामा का, अनलिमिटेड सॉन्ग उसमें सुन सकते हैं। तो न्यूज़ के लिए हमारे पास इंडिया टुडे का न्यूज़ आता है, सिर्फ हमें अलेक्सा को कहना है वेकअप, तो जो भी डेली की अपडेट होगी, न्यूज़ होगी, वो हमें सारी सुनाई देगी। इसमें जस्ट डायल वगैरह, जोमेटो, ये सब इसमें फीचर्स हैं। बिल्कुल सर, और जस्ट डायल और जोमेटो के साथ इनका है, जोमेटो से अगर हम ऑर्डर करते हैं तो इसकी GPS लोकेशन से हमारे वो हमें ऑटोमेटिक, वो जहाँ हमारी गाड़ी होगी, हमने यहाँ से ऑर्डर किया तो वहाँ वो ट्रैक करके हमें पहुँच जाएंगे। जस्ट डायल है, जस्ट डायल में जिनका नंबर जस्ट डायल में डाला होगा, अगर वो कोई भी हो, जैसे किसी डॉक्टर का लेना हो, किसी सरकारी ऑफिसर का नंबर लेना हो, तो हम वो जस्ट डायल के थ्रू यहीं से ले सकते हैं इसी गाड़ी में से। उसी के साथ अगर हमारी पर्सनल कोई फोटो है, हमें बहुत अच्छी लगती है, मैंने स्क्रीन पे ऐड करनी है, तो मैं वो फोटो को, ये गैलरी है और स्क्रीन सेवर भी बना सकता हूँ, गैलरी में ऐड भी कर सकता हूँ पेन ड्राइव लगा के फोन के थ्रू भी। और ऑटो एंड्रॉइड है इसमें, ऑटो एंड्रॉइड हमारा इसमें कनेक्ट रहता है, और इसमें ये ब्लाइंड स्पॉट रहता है सर, जैसे जिस साइड के इंडिकेटर देंगे तो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, ये बैक साइड का कैमरा ऑन होता है इसमें। और ये भी स्क्रीन को भी सर हम इसको चेंज कर सकते हैं, इंफोटेनमेंट का जैसे है, मैं इस बटन से जैसे चेंज करूंगा तो उस पे सारी चीजें ऑन हो जाएंगी, कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। मैंने डिस्प्ले लेआउट पे जाएंगे, डिस्प्ले लेआउट पे एक बार प्रेस करते होकर नॉर्मल आ जाएगा, फिर उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इस पे करते ही स्क्रीन देखिए अपने आप पूरी चेंज हो जाएगी, ये चेंज होगी। और इसी के साथ जैसे GPS वगैरह होता है, हमें कई बार GPS इसमें हम देखते हैं तो हमें बार बार ऐसे देखना पड़ता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो GPS को हम इसी में देख सकते हैं। अब देखिए जैसे इस रोड की स्पीड 80 की है हाईवे की, तो 80 की स्पीड अपने आप दिखा रही है गाड़ी की, ये इस हाईवे की स्पीड सरकार की तरफ से जो तय की गई है वो 80 की स्पीड है। अगर हम 80 से ऊपर जाएंगे तो गाड़ी हमें सिर्फ अलार्म करके एक बार बता देगी कि हम इससे ऊपर जा रहे हैं, बाकी हमारी मर्जी, हम जितने मर्जी चलाएं। अच्छा, ये अभी एक अंकल थे मुझे मिले थे तो बोल रहे थे हुंडई अल्काज़ार लेने गया था, तो 80 के बाद उसमें बार बार गाड़ी जो अलार्म करती है वो काफी अनोइंग होता है, लेकिन इसमें आपको एक बार इंडिकेशन देगा, क्योंकि कहीं कहीं एक्सप्रेस वे ऐसे होते हैं जहाँ पे 100 या 110 की स्पीड लिमिट मेंटेन करनी पड़ती है, तो वहाँ पे जो ये कार्स हैं, अल्काज़ार हो गया, सफारी हो गया, नेक्सॉन हो गया, ये बार बार अलार्मिंग साउंड देती है जो ड्राइवर को काफी अनोइंग लगता है।
और जीपीएस का सर इसमें ऐसे आता है, जीपीएस मैंने इसी स्क्रीन पर लगा लिया और मुझे सपोज ये दोनों साइड के क्लस्टर मीटर जो आ रहे हैं ये थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो मैं इसको अगर हटाना चाहूँ तो पूरी स्क्रीन को यूज कर सकता हूँ, इस तरह पूरी स्क्रीन चलेगी सर, और मैं यहीं से जीपीएस सामने बिल्कुल डेटा करूंगा और लाइव ट्रैफिक चलता है इसमें, जो लाइव ट्रैफिक रहेगा सपोज हमारे मैं अभी इस समय से चल रहा हूँ तो हो सकता है आगे मेडिसिटी हॉस्पिटल के पास में ट्रैफिक होगा तो लाइव ट्रैफिक आएगा इसमें, वो रेड हमें अभी दिखाएगा कि आगे जाके ट्रैफिक है। और अगर मैं बात करूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लैग्स की, तो इसमें आपको ना बिल्कुल टच स्क्रीन इसकी तगड़ी है और कहीं भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। लास्ट मैंने रिव्यू किया था हैरियर का ना, तो उसमें भाई बता रहा था कि उसमें सॉफ्टवेयर का इश्यूज आ रहे थे। अभी मैं इसका ओनरशिप रिव्यू भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा अगली वीडियो में। लो बीम हाई बीम का आता है ऑटो एडजस्ट के साथ, जैसे हम हाईवे में रात को चल रहे हैं तो गाड़ी की लाइटें अप रहेंगी, तो सामने से जो भी गाड़ी आएगी उसकी लाइट अगर अप है या डाउन है हमारी गाड़ी की, अगर इसने जज करा तो ऑटो एडजस्ट अपने आप लाइटें हमारी लो बीम हो जाएगी। अच्छा, अपनी गाड़ी की लाइटें लो बीम हो जाएगी क्योंकि सर प्रोजेक्टर हेडलैम्प है इतने तेज है कि सामने वाले की आंखों में बहुत तेज पड़ता है तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। उस कंडीशन में गाड़ी अपने आप हाई बीम को लो बीम करेगी, और बड़ी सिटी में तो सर वैसे भी हाई बीम पे चलान है, हमारे यहाँ तो इंडिया में ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं हाई बीम पे ही चलते हैं, हालांकि हाई बीम पे चलना नहीं चाहिए, वो गाड़ी अपने आप करती है अपने आप जज करेगी। ऑटो बूस्टर का ऑप्शन है इसमें, जैसे 80 की स्पीड पार करेंगे एक अलग से एक बल्ब और लगाया गया हेडलाइट पे, वो ऑटो बूस्टर अपने आप ऑन होगा जब हमने 80 की स्पीड पार करी। उसी के साथ जैसे आपने भी बताया कि आपके किसी अंकल से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अल्कजार में एक अलार्म बजता है 80 की स्पीड पार होने के बाद, वो परेशान करता है। महिंद्रा ने इसमें एक और अच्छी चीज़ ऐड करी है जो हमें एड्रोनेक्स ऐप है, उस ऐप के अंदर मैं अगर कोई रिकॉर्डिंग कोई भी सेव करूंगा, चाहे घर पे छोटा बच्चा है या जो मुझे बहुत प्यारा है, मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करी, वो जैसे मैंने इसकी 100 की स्पीड या 120 या जो भी स्पीड के पार रखी कि उस स्पीड के अगर गाड़ी ऊपर जाएगी तो मुझे याद दिलाए, वो ऑटोमेटिक जैसे ही मैंने वो स्पीड पार करी तो स्पीकर में वो साउंड आएगा। छोटे अगर बेबी का साउंड उसमें, घर पे मेरा बेबी है मैंने उसकी साउंड अगर रखा तो वो आएगा, जो भी मैंने उसमें रिकॉर्ड करा होगा कि पापा वेट करो या ये भी स्लो चलाओ जो करा होगा वो सर आएगा उसमें रिकॉर्ड। तो ये तो भाई ये तो बिल्कुल ही एडवांस फीचर है यार, हर कोई बंदा अपनी फैमिली से प्यार करता ही है, तो अगर आप हाई स्पीड में वैसे हाई स्पीड में कार ना चलाएं क्योंकि आपकी फैमिली की और आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसमें सिर्फ एक ही बार साउंड आता है 80 की स्पीड पार करने पे टिलिंग करके, वो साउंड भी हम इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि साउंड अलग अलग दे रखे हैं, जैसे फोन में रिंगटोन होती है चेंज कर सकते हैं, इसमें साउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे सीट बेल्ट का अलार्म कई बार क्या होता है हम सीट बेल्ट नहीं लगाना चाहते तो साउंड बहुत अजीब सा आता है, जैसे मैंने सीट बेल्ट लगाया इसमें अभी एक बार साउंड आएगा दूसरा ये वाला, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको साउंड अगर मैंने दूसरा करना हो जो मुझे अच्छा लग रहा हो मैं वो चेंज कर सकता हूँ, बट इसमें ज्यादा नहीं आएगा ये नॉर्मल इतना ही करेगा टिंग, नहीं तो कहीं वो बहुत तेज होता है, अभी थोड़ी देर करेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, बट ये इसको ना ही हटाएं तो बेस्ट है क्योंकि सीट बेल्ट हमें हमारी सेफ्टी के लिए लगानी है, चालान से बचने के लिए नहीं लगानी। ये बात भाई ने बहुत बढ़िया कही। पहली सेगमेंट की ऐसी गाड़ी है जिसमें पूरे के पूरे कटन एयरबैग हैं, 7 एयरबैग देती है, एक ये एयरबैग तो नॉर्मल हर गाड़ी में मिलता है, इसमें नी एयरबैग यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है जो प्रॉपर सेफ्टी करता है। सामने ट्रम्पल जोन है जो इनका बोनेट रहता है, बोनेट कभी भी अगर गाड़ी प्रॉब्लम कुछ भी होता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है गाड़ी कहीं लग गई भगवान न करे, तो उस कंडीशन में गाड़ी का जो बोनेट है वो कभी भी सीधा नहीं आएगा, ट्रम्पल जोन में आएगा, पहले ऐसे रिप होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होकर होता है, ट्रम्पल जोन में रहते हैं। तो इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से इसकी पूरी सनरूफ खुलती है, वन टच सनरूफ का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और एलेक्सा के वॉइस असिस्टेंट के साथ भी आती है ये, आप पूरी कार को आप एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और एड्रोनेक्स की मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आप फुली आप कार को कंट्रोल कर सकते हैं, कार की लोकेशन पता कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में TPMS जो कि बहुत ही तगड़ा अच्छा फीचर है और वो हर कार में होना ही चाहिए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके कंपटीटर जो टाटा हैरियर या सफारी है उसमें आपको TPMS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, और ये कार आपको अपने लोअर वेरियंट से ही TPMS का फीचर देती है जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो दोस्तों ये हमारे कस्टमर हैं महिंद्रा XUV700 लेने आए हुए हैं, तो इनसे हम जानते हैं, तो सर बताइए आपको कैसी लगी महिंद्रा XUV700? महिंद्रा को तो मैंने ट्राई कभी नहीं किया, कोई गाड़ी अभी तक हमने लिया नहीं, देखते हैं 700 पे मूड जा रहा है, अगर ले लिया हमने जनवरी में तो आगे इसकी बता पाएंगे कैसे। तो अभी इसकी जैसे अभी आपने बात करी तो इसकी बुकिंग्स वगैरह कितनी वेटिंग मिल रही है आपको इसमें? अभी तो मैडम से बात हुई थी, उन्होंने बताया 6 to 7 months। 6 to 7 months, तो जैसे जनवरी में आपको परचेज करनी है तो 6 to 7 months, अभी तो एक दो महीने में तो आपको मिल नहीं पाएगी, मतलब मे बी 2 July में। कई बार तो शोरूम वाले बोलते हैं 6-6 महीना, और जब आपका पूरा मूड हो जाए तो बाद में बोलते हैं ये गाड़ी खड़ी आप ले लो, ये तैयार हूँ मैं देने के लिए। अच्छा, ये तो डिपेंड करता है जब आप बुकिंग कराने आते हैं, तो अभी अल्कजार के भी चल रही है 2-3 महीने बुकिंग। अच्छा, और मैंने बोला ठीक है मैं जनवरी में कराऊंगा, उन्होंने बोला अगर अभी आप कराते हो तो ये गाड़ी खड़ी आप मैं दे दूंगी आपको, तो वो तो उस समय डिपेंड करता है वो क्या मूड होता है, उनके पास अगर गाड़ियाँ खड़ी होती तो दे देते आपको। अच्छा, बट ओवरऑल 6-7 महीने महिंद्रा XUV700 का ना बहुत ज़्यादा हाइप बनाया गया था,
उसके बाद इन्होंने इसका क्रैश टेस्ट भी किया था, तो सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार रेटिंग लेके आई थी। तो अभी टाटा की गाड़ियों को प्रॉपर टक्कर दे रही है महिंद्रा की कारें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जैसे आप टाटा सफारी ओन करते थे पहले, तो अभी टाटा सफारी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? टाटा सफारी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट वो पुरानी इंजन थी तो 80-90 हज़ार के बाद गाड़ी सही से नहीं चल पा रही, इसलिए हमारे को खड़ी करनी पड़ी। इंजन इश्यूज आए थे? हाँ, इंजन इश्यूज तो शुरू से रहे हैं टाटा में। टाटा में थोड़ा उतना रिफाइन इंजन रहते नहीं है। हाँ, शुरू से रहा है उसमें, चाहे वो इंडिका हो या इंडिगो हो, जो भी गाड़ियाँ हैं। इंडिगो भी एक बार हमारे पास थी, वो भी 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद उसके भी इंजन में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई थी। बट नो डाउट जो टोयोटा है उसमें 2 लाख किलोमीटर के बाद भी इंजन में कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अभी आपके साथ भैया है, तो भैया बोल रहे थे कि वो फॉर्चुनर पे भी जा सकते हैं, मतलब बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टोयोटा में जाना है तो या तो अभी मेरे पास जैसे इनोवा पुरानी है, हाँ। अपन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पे जा सकते हैं या फिर फॉर्चुनर पे जा सकते हैं। अच्छा, मतलब बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी चाहिए। बजट मायने नहीं रखते, मेन तो सेफ्टी वगैरह चाहिए, फीचर चाहिए, बस वो मेन है। तो ये अच्छा मुझे लगा कि इंडियन कस्टमर ना आजकल फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी भी मैटर कर रही है। तो सर वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसे एक बड़ा बेटा है तो उसका कहना होता है कि जो भी लेंगे हम इंडियन ही गाड़ियाँ लेंगे। अच्छा, वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ, जैसे वो टाटा की या तो हैरियर, या उसका यही पसंद है कि टाटा की हैरियर ले लो या 700 ले लो महिंद्रा की। अच्छा, उसका दोनों, बट उससे अगर आप बात करेंगे तो अल्काजर को कभी भी पसंद नहीं करेगा अल्काजर को। हाँ, देखो जिसको एवरेज के लिए लेनी है देन फिर अल्काजर पे जा सकता है, अगर जिसको सेफ्टी और पावर चाहिए तो वो फिर 700 पे जाए, हैरियर पे जाए, जिसको जाना या एमजी हेक्टर पे चला जाए। बट एमजी हेक्टर में भी एक इशू आ रही है कि हाईवे पे जब चला रहे ना 80-90 के बाद बीप 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 शुरू कर दे रहे देना। नहीं, वो तो उसमें सेफ्टी फीचर होता है, सेफ्टी के बाद क्या होता है ना वो अलार्म देता है कि आपको कि आप हाई स्पीड पे ना जाएं। आदमी चला रहा है वो टॉर्चर करना शुरू कर दे अलार्म दे करके, ऐसा गाड़ी चला करके क्या फायदा ड्राइव करके। अच्छा अच्छा, यही थोड़ी होना चाहिए। आप अगर वो बीप बीप बार बार करते जा रहा है हर छोटी सी, मतलब 80 के बाद 90 सब पे का, हाँ, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा, क्योंकि एक हमारे अभी फ्रेंड ने लिया, वो इस तरह की कंप्लेन कर रहे थे। सही बात है, आप जब 2000 सीसी का इंजन चला रहे हैं डीजल इंजन, तो थोड़ी सा एक्सलेटर तो आप देंगे ही। अब अगर हाईवे पे जाएगा तो 100 से तो ऊपर जाएगा, 100 से 120 के बीच में जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट नॉर्म्स तो 100 होते हैं, बट कहीं आप एक्सप्रेसवे पे चले जाएगा जहाँ की 120 है, अब वो 120 पे चलाना जो कि गवर्नमेंट अलाउ कर रहे कि आप 120 पे चलाना, 90 के बाद गाड़ी बीप देना शुरू कर देंगे। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ और इतने सारे फीचर्स, मुझे नहीं लगता इस रेंज में कोई गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप लोगों में से भी कोई महिंद्रा XUV 700 लेने का प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस पे जा सकते हैं, तो सेफ्टी भी मिलेगी और इसमें आपको फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।